हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी बहुत ही आसान तरीके से। कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो देखिए कितना अच्छा सा यमी सा इसका फ्लेवर और कलर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कटहल को लेंगे और इसको बॉईल करा है मैंने। बॉईल करके जो भी इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा भी रहता है आजकल के मौसम में इसको बॉईल करना। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्रिस्पी सा हो जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बनता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है फ्राई के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्याज डालना है। प्याज को अच्छे से ब्राउन करके दो टमाटर डाले हैं मैंने मोटा मोटा, उसमें अदरक हरी मिर्च, और अच्छे से इसको भून लेना है। और भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाला, नमक और देगी मिर्च मैंने डाली है, और हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा मैं डालूंगी गरम मसाला, और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अपना कटहल। कटहल को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम भूनेंगे और 5 या 7 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढककर रख देंगे ताकि सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और 5-7 मिनट के बाद इसको हम लो फ्लेम से हटाएंगे तो देखेंगे कि हमारा मसाला कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है और घी भी छोड़ चुका है हमारी सब्जी। तो देखिए 5 से 7 मिनट में हमारा कटहल तैयार है। इसको पहले बॉईल कर लेंगे तो बहुत अच्छे से ये सब्जी बन जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको।